एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमारा है सिक्किम में आज डे 3 एंड 2 दिन हम लोग गैंगटॉक में रहे और आज हम लोग गैंगटॉक से निकल के जा रहे हैं वेस्ट सिक्किम, मतलब पेलिंग। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। नेपाली स्पीकिंग लोग हैं, यहाँ के लोकल ट्राइब है ना, वो लोग भी नेपाली भी बात करते हैं। मतलब यहाँ का यूनिवर्सल लैंग्वेज है नेपाली। देखिए ना, ये यही है, ये आपका जो फुलझाड़ू है ना, इसका गाछ यही है, यहाँ से फुलझाड़ू निकलता है और उसको ऐसे खींच के सुखाना पड़ता है। अच्छा। तो ये दाग है ना। हाँ हाँ हाँ, ये दाग जो है। हाँ, ये दाग एक्चुअली क्या है कि मिथ, वैसे तो मिथ है, फिर भी ये मानना है कि ओझा समझते हैं, नहीं, जो झाड़ फूक करने वाला होता है ना। हाँ हाँ हाँ, झाड़ फूक करता है, जो किसी को भूत लग गया हो, किसी को कुछ जंगली लग गया हो, तो उसको झाड़ फूक करके वो लोग लोगों को ठीक करते हैं ना, तांत्रिक टाइप का। और तांत्रिक और जो डायन है ना, इनके बीच में इनका जो कंपटीशन हुआ था, द्वंद्व युद्ध। उनको क्या था कि ये जो पत्ता जो है ना, निगलना था, अपना अपना जो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। अच्छा। पत्ता निगलना था। अच्छा। तो तांत्रिक तो उसको निगल गया अपना तंत्र विद्या से। हाँ। लेकिन जो डायन जो है ना, उसको नहीं निगल पाया, समझ गए ना। हाँ। आधा तक निकला और उसके बाद नहीं निकल पाया, इसलिए वो आधा में ही जो दांत है ना, वो डायन का दांत का दाग बोलते हैं। अच्छा। हर एक पत्ता में देखिए तो दाग है ना। हाँ। दांत का जैसा दाग है ना, तो अच्छा, ऐसा मान लेता है। हाँ हाँ, इट इज, ये जो दांत, हर एक पत्ता में दाग है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना। हाँ। कोई लॉजिक है उसका, जो दांत का कोई लॉजिक तो नहीं है ना। वही है मिथ, लेकिन कोई काइंड ऑफ बोल रहा मुझे, इट इज बिलीव। अच्छा, हर एक पत्ता में दाग। देखो देखो मुझे, देखो दांत, ये वाला टमाटर पेड़ में रहता है, सब सब्जियां पहले। ये अमरूद कॉस, छिलके आप इसको काट के सब्जी खा सकते हैं, इसको कच्चा करके भी ऐसे ही खा सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, इसका टेस्ट पंजेंट है। ये टमाटर, या ये रुक टमाटर है, विद कंजीमेट लाइक दैट ओनली, ऐसे चला सकते हैं। ये खाएंगे मिर्ची? नहीं नहीं, मिर्ची नहीं खाते। बहुत तेज है। देखा, ये क्या है सर? मूली का साग है ना, राई का साग, इसको फर्मेंटेशन करके ना बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हे, जो नेपाली थाली में हम साग खाए थे वो ये था, फर्मेंटेड साग, वो जो कल खाए नहीं थे, ग्रीन कलर का, ये बहुत खट्टा होता है, ये था खट्टा लग रहा था। हाँ। ये वो था, ये क्या है उनका? एक टिंगूर है, ये एक प्रकार का मिंट है, ये मिंट है। हाँ, एक तो अच्छा, टेस्ट कीजिए तो, टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक तो टेस्ट कीजिए तो। हाँ, पेड़ में होता है ये। अभी हम लोग आके पहुंच गए हैं नामची में और बहुत ही अच्छा जर्नी था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारा टूर गाइड बहुत अच्छा है, सारे चीज़ों को अच्छे अच्छे करके समझा रहा था, ये किस लिए इस पेड़ का क्या वैल्यू है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हम ऐसे देखे जिसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एंड सिक्किम के लोग बहुत प्यारे हैं। तो ये सारे जगह है जो आप नामची में घूम सकते हैं, हेलीपैड, रोपवे, सेंट्रल पार्क, सिद्धेश्वर धाम, साई मंदिर, को क्या है ये, कोलागरी केव, बुद्धा पार्क, टेमी टी गार्डन, देन मॉनेस्ट्री, एंड वी आर एट सिद्धेश्वर धाम। तो चलिए देखते हैं कैसा है।
यहाँ पे इतनी शांति है ना, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मौसम थोड़ा धूप हो रहा है बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गार्डन जो कि चार धाम के बिल्कुल पास ही था। तो रोज गार्डन के अंदर ही रेस्टोरेंट है, यहां से ऐसे ऊपर एक रेस्टोरेंट। गार्डन पूरा कवर करने के लिए आई थिंक 6 से 7 घंटा लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा गार्डन है और यहाँ पे हर टाइप के प्यारे 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 फ्लावर्स है, जैसे कि ये। और गार्डन के अंदर रेस्टोरेंट भी है, कैफे भी है, पर हम इतने ज़्यादा थके हुए हैं हम चल नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग आधा गार्डन या फिर आधा से भी कम देख के रिटर्न जा रहे हैं। मैं बिल्कुल ही बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी स्टीप सीढ़ियाँ हैं और इतने पहाड़ चढ़ने पड़ रहे हैं कि क्या बताऊं। हो हो आराम से गाओ।
बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी, ये सवाल आए तेरी नजदीकियों में, इससे मैं पास ले तेरे बेमिसाल आए, संभाव स्टैचू। ये व्यू पॉइंट पूरा पहाड़ों के ऊपर टॉप में है और यहाँ पे रोपवे भी है जो कि अभी बंद है, पर हम लोग लिटरली बादलों को ऐसे चीर के आए हैं, मतलब क्लाउड्स के अंदर से आए हैं, जैसे फ्लाइट वगैरह जाते हैं ना क्लाउड के अंदर से। उतना ज़्यादा डेंसिटी नहीं था क्लाउड का, बट आपको क्लाउड फील होगा। बहुत अच्छा लग रहा है सिक्किम सच्ची। ये ऐसे क्लाउड्स को चीर के आए हैं।
बहुत ज्यादा थक गए यहाँ तक चल के आते आते। अभी आगे भी रोड है पर जूते नहीं है, ये और भी ऊपर है, जूते नहीं है और रोड ऐसा, लेकिन सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी नहीं है, ऊपर चल के जाना है ऊपर, ऐसे पता नहीं कहा सच में चले गया। अच्छी बात होता है, अरे बहुत दूर है, सच में जा रहे हो? चलो जस्ट वाटर टैंक, नथिंग एल्स। ज्यादा अच्छा लगा। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और नेक्स्ट जाएंगे रवांगला। अभी हम लोग आके पहुंच गए हैं रवांगला में। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, बट फिर भी ये बहुत सुंदर लग रहा है लाइटिंग के साथ। हमारा रूम जो कि काफी अच्छा है, रात में तो कुछ व्यू दिखेगा नहीं पर कल सुबह मैं दिखाऊंगी इसका व्यू। क्या मैं टोपी पहन के घूम रही हूँ रात में? दिस इज द वॉशरूम। थैंक गॉड इसमें ड्रायर दिया हुआ है।